चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री के लाइव सेशन को। जी हाँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ आज का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का जो एनुअल मॉडल सेट है, यानी जो आपका ऑफिशियल मॉडल सेट है उसको कवर कराने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2023 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसके बाद 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर वो कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं आपके लिए यानी जो प्रीवियस ईयर जो आपका 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था, उसको मैं आज के लाइव सेशन में कंप्लीट कराने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उससे 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है। जी हाँ, तो अगर 4-5 मार्क्स अगर आपका आ जाता है मॉडल सेट के जरिए, तो हम लोग कवर करने के लिए हम लोग हर हाल में कवर करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए हम लोग आज की इस क्लास में 2021 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हिस्ट्री का उसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। जी हाँ, और बिल्कुल 100% आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आज की इस क्लास में आपको बताया जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग फटाफट से क्लास में ज्वाइन हो जाइए, और जो जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन हो पाए उनको लिंक को शेयर कर दिए, ताकि क्लास में अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सके और अच्छे तरीके से हम लोग क्लास को कर सके। चलिए, तो बिना टाइम को इसके बिना बात किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, और आप लोग भी साथ साथ अपना जो आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दीजिएगा, जैसे आप लोग डेली क्लास में। वेरी गुड, तो आप सबको तो इंस्ट्रक्शन बताइए वो सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वन को। जी हाँ, तो क्वेश्चन वन स्क्रीन पे आ चुका है, किसी तरीके आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, जी हाँ, तो जो क्वेश्चन वन है स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग बिना किसी तरीके बिना किसी रिकॉर्ड के आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी। जी हाँ, आपको बताइए कि जो 1922 ईस्वी में मोहन जोदड़ो की खोज हुई थी, तो यहाँ पे किसने की थी उसको आपको बताने चले। तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बिना किसी देरी के आंसर करने की आप लोग कोशिश की। जी हाँ, लेकिन सर दिख नहीं रहा। जी हाँ, आपको अगर नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, जो क्वालिटी है आपका वहां पे आपको सेट जाके क्वालिटी को बढ़ा लेना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। वेरी गुड, जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्वेश्चन वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल सबने यहाँ पे आंसर नंबर डी दिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्हें जो रखालदास बनर्जी, उन्होंने ही 1922 में मोहन जोदड़ो की क्या की थी, खोज की थी। जी हाँ, यहाँ से आपका दो क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहन जोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी, उसके बाद कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। जी हाँ, यहाँ पे आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरी गुड, चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। जी हाँ, तो क्वेश्चन टू भी देख लीजिए फटाफट, देखिए और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन टू भी स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या बोला जाए, फटाफट देखिए क्या बोला जाए कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपको बताने चले। तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है या नहीं है, या सिर्फ आप लोगों ने ऑप्शन को देखा है और अपने दिमाग में ऑप्शन को बैठा लिया है, ऐसा नहीं करना होगा। चलिए, जी हाँ, तो यहाँ पे जो टू का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है कि सर विलियम। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका विलियम है, कौन सा विलियम है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम जॉन्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। जी हाँ, सॉरी, तो यहाँ पे जो है आंसर है वो ओके, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन थ्री भी स्क्रीन पे आ चुके, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित। जी हाँ, तो मोहन जोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित, यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, और आपको ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन मैं जो हाईलाइट किया वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जी हाँ, तो आपको इससे घबराना नहीं है। चलिए फटाफट देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आंसर करने की आप लोग कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिन्हें सिंधु, जो सिंधु है, जो मोहन जोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फोर भी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट देखिए क्या बोला जाए कि लोथल कहाँ स्थित है। जी हाँ, लोथल कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे आपको बताने। ओके सर, सब देख रहे हैं, पता नहीं जो पीडीएफ जो है रॉन्ग सेंड हो गया होगा। चलिए तो मैं थोड़ा कुछ जुगाड़ करता हूँ, तब तक आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फोर में क्या बोला जाए कि लोथल कहाँ पे स्थित है। हाँ, तो लोथल कहाँ स्थित है, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव को। जी हाँ, तो फाइव देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइव में फटाफट आंसर करने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो भारतीय जो पुरातत्व है उसका पिता किसको कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना चले। फटाफट देखिए क्वेश्चन फाइव में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो आपका हाईलाइट किया हुआ है वो सारे ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको इस पर भी ध्यान करना है। तो यहाँ पे जो फाइव हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंगम हो जाएगा। चलिए
तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आंसर करने की आप लोग कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। जी हाँ, तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जी हाँ, तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 78 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जी हाँ, तो आप 7 को भी देखिए। चलिए अर्थशास्त्र किसने लिखा था, यहाँ तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, फटाफट ही क्वेश्चन 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए जी हाँ, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन्हें कौटिल्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन 8 भी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जा रहा है कि गुप्तू के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। जी हाँ, तो गुप्तू के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आंसर बताने की आप लोग कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जी हाँ, तो यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें क्या हो जाएगा, फाहियान हो जाएगा। जी हाँ, तो गुप्त के शासन, गुप्त के काल में कौन आया था, तो फाहियान क्या आया था, भारत आया था। चलिए वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन 8 देखने से पहले जो आपका पीडीएफ जो है थोड़ा सा मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आप लोग क्लास में बने रहिए ताकि आप लोग जो आंसर को ना देख पाए। वेरी गुड, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा तब तक। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड करके फिर से देख रहा हूँ कि जो पीडीएफ है वो गलती से दूसरा वाला आ गया है। चलिए सॉरी, बार बार वही पीडीएफ आ रहा है। ओके, जितने भी स्टूडेंट क्लास में बने हुए हैं, तो मैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो हमारा हाईलाइट किया हुआ है वो क्वेश्चन बार बार शो हो रहा है, तो पीडीएफ चेंज भी कर रहे हैं तो वही शो हो रहा है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, मैं फिर से लाइव आऊंगा, तो आप लोग क्लास में कहीं नहीं जाइए, आप लोग क्लास में बने रहिए, मैं 2 मिनट में फिर से जो है दोबारा लाइव आता हूं, तो आप लोग क्लास में ही रहिए, आपको जो नोटिफिकेशन अभी वो मिल जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए तो मैं इस क्लास को थोड़ा सा एंड करता हूँ। चलिए सॉरी, जो पीडीएफ जो है उसमें हेरा फेरी हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, फटाफट देखने की कोशिश कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो हम लोग क्लास को करते हैं, इसी पीडीएफ को क्लास में करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, चलिए जी हाँ, कल इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका था, 8 भी हो चुका था। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या बोले थे, फटाफट देखिए आप लोग कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। जी हाँ, तो महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई थी, यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो फटाफट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे जो महाभारत की रचना है वो किस भाषा में हुई थी, वो संस्कृत भाषा में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये पीडीएफ है इसमें सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, जो हाईलाइट किया हुआ सारे करेक्ट नहीं है, तो आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जी हाँ, तो आप लोग का जो टेस्ट है आपका इस टाइप का ही टेस्ट होगा, तो आप लोग देखिएगा। और चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, हाँ धम्म की जो वो किसने की थी, यहाँ पे आपको बताने। चलिए वेरी गुड, जी हाँ, पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें अशोक ने की थी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शन अभी यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत सारे ऑप्शन आंसर है वो यहाँ पे गलत है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्या बोला कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, तो आप सबको बताया कि जो महावीर का बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, तो बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पर आ चुके। क्या बोला जाए, फटाफट देखिए आप लोग,
प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? जी हाँ, जो प्रथम जैन संगीति है वो कहां पे हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताने, चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, जी हाँ, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे हुई थी? चलिए तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? किसी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जी हाँ, राजगीर में। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे इसमें बार बार गलती कर देते हैं कि यहाँ पे आपको बोला है कि जैन संगीति। जी हाँ, जब भी आपको बोले कि जैन संगीति ने प्रथम जैन संगीति, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। जी हाँ, अगर आपको बोल देगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी। जी हाँ, तो आपको याद रख लेना, जैन संगीति पूछेगा तो पाटलिपुत्र, और बौद्ध संगीति पूछेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि राजगीर, यहाँ पे राजगीर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जैन संगीति बोला है, बौद्ध संगीति नहीं बोला है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बात। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। जी हाँ, तो 13 में इसकी आज का बोला जाए कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, जो श्वेतांबर है और दिगंबर है वो कौन से धर्म से संबंधित है, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 13 में। वेरी गुड, जी हाँ, 13 का जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को। जी हाँ, तो 14 में स्क्रीन में आ चुका है, बोला जाए कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। जी हाँ, जो स्तूप है इसका संबंध कौन से धर्म से, यहाँ पे आपको बताना। चले फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट होगा, तो बिना किसी तरीके आंसर बताइए। वेरी गुड, जी हाँ, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें बुद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 में स्क्रीन आ चुका है, बोला जाए कि सुत्पीठक किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, सुत्पीठक किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, चलिए, जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो 16 में स्क्रीन में आ चुका है, बोला जाए कि बाबरनामा क्या है। जी हाँ, जो बाबरनामा है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए फटाफट देखिए, चलिए तो आज की इस क्लास में आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसका जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो बाबरनामा क्या है, एक आत्मकथा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो 17 स्क्रीन में आ चुका, बोला जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। जी हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगर आप लोग आंसर दिख रहा है तो कोई सॉरी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका रिवाइज हो रहा है, क्योंकि मतलब हम रिवाइज ही कर रहे हैं क्लास को, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जी हाँ, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि कुतुब मीनार का यानी कुतुब मीनार को किसने बनाकर तैयार किया था, वहां पे हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। जी हाँ, क्योंकि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब मर गया तो उसका दामाद इल्तुतमिश ने इसको इसकी तरफ तैयार किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो 18 स्क्रीन में आ चुका है, बोला जा रहा है कि सॉरी जिजिया किससे लिया जाता है। जी हाँ, जिजिया जो है वो किससे लिया जाता है, यहाँ पे आपको बताने। चले फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें जिमियो से लिया जाता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ, जो अंतिम मुगल सम्राट है वो कौन था, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें बहादुर शाह जफर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, बोला जाए कि दीने एलाई संबंधित है। जी हाँ, तो दीने एलाई है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको बताइए कि जो दीने एलाई है वो अकबर से संबंधित है, यानी अकबर नहीं इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला 21 में, फटाफट देखिए आप लोग, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। जी हाँ, जो अकबर के काल में जो राजस्व व्यवस्था थी वो किसके नियंत्रण में थी, यहाँ पे आपको बताने। चले तो मैं आज मानूंगा इस क्लास में जो भी मुझे क्वेश्चन 21 का बिना ऑप्शन को देखे आंसर कर देगा, तो मैं मानूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़े हैं क्लास में। जी हाँ, आप लोग अच्छे तरीके से याद है, तो आपको बिना ऑप्शन के आंसर करने हैं आज की इस क्लास में, तो आज का सबसे जो आपका टेस्ट है यही है। जी हाँ, चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 21 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिना ऑप्शन के यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सी बता रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरफ सी है मैंने तो आपको बताया नहीं। वेरी गुड, तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है, जिन्होंने मुझे सपना कुमारी ने दिया है मुझे टोडरमल। जी हाँ, यानी जो टोडरमल था वो क्या था, अकबर का वित्त मंत्री था। आपसे बताया कि जो वित्त मंत्री होता है वो राजस्व व्यवस्था को संभालता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा टोडरमल हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे बोल रहा है बैरम खा, बैरम खा नहीं होगा, क्योंकि बैरम खा क्या था, उसका संरक्षक था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, 22 भी स्क्रीन आ चुका है, बोला जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। जी हाँ, दूसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, यहाँ पे आपको बताने। चले नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल फटाफट चकाचक क्लियर है मेरे पास। जब 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1556 में। जी हाँ, अगर पहली बोलेगा तो 1526 में, दूसरा बोलेगा तो 1556 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, 23 भी स्क्रीन आ चुकी है, क्या बोला जाए, फटाफट देखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो कृष्णदेव राय है किस वंश का राजा था। जी हाँ,
किस वंश के शासक थे यहाँ पे आपको बताना है जी हाँ। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुका है कि जो तुलुप वंश है, ये तुलुप वंश के शासक कौन थे, कृष्णदेव राय थे जी हाँ। चलिए और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ तो है लेकिन बिल्कुल गलत है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 24 आ चुका, बोला जाए कि निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। चलिए अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको इसके आंसर करने, जो निकोली कोंटी है वो किसके शासनकाल में भारत में आया था। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूं, तो आपको सारे ऑप्शन को देखना है फिर आपको आंसर करने की कोशिश करना जी हाँ। चलिए सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, उसके बाद अच्युत देवराय जी हाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 24 में देखिए। चलिए फटाफट आंसर करने की कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो मैंने आपको सारे ऑप्शन को दिखा दिया है, यहाँ पे आपको आंसर बताने। चलिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल भी गलत यानी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसलिए 24 का जो आइटम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे देवराय प्रथम जी हाँ। यानी जो कृष्णदेव, जो निकोली कोंटी जो आए थे वो कृष्णदेव राय, सॉरी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल गलत कर दिया है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आज के इस क्लास में याद कर लेने हैं, तो मैंने आपको पहले ही सतर्क करने को कहा था। चलिए तो आप 25 को देख लेंगे, 25 भी स्क्रीन आ चुका, फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जाए कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था जी हाँ, कौन सा राज्य है जिसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता था जी हाँ। और जो भी यहाँ पे आपका गलत हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे आंसर करने हैं, रॉन्ग क्यों बता रहे हैं सर, यहाँ पे रॉन्ग नहीं बता रहे, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा जी हाँ। तो निकोली कोंटी जो आया था वो देवराय प्रथम के शासन में आया था, तो वो राइट आंसर है, रॉन्ग नहीं है, आपको देख लेना, मैंने आपको पहले बता दिया जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारे आंसर बिल्कुल सही नहीं है। चलिए तो 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन डिक्रेक्ट हो जाएगा, लेकिन विजयनगर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 जी हाँ। तो 26 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है जी हाँ, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, इसका जो आंसर है बिल्कुल कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा जी, हम्पी में स्थित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जी हाँ। तो 27 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी जी हाँ। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे कौन आंसर करेक्ट बताता है आज की इस क्लास में जी हाँ। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे आपको बताने हैं, फटाफट देखिए क्वेश्चन 27 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड जी हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है सबका, ऑप्शन ए आर एन 1206 ईस्वी में दिखा। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और आज का जो आपका सवाल है कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी वो किसने की थी यहाँ पे आपको बताने, चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग क्वेश्चन 27 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, बोला जाए कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था जी हाँ, तलवंडी किसका जन्म स्थान था यहाँ पे आपको बताने जी हाँ। और जो मैं क्वेश्चन आपको पूछा तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको हर हाल में बता देना है जी हाँ। तो कौन सबसे पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, गुरु नानक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन 29 का। बोला जाए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था जी हाँ, यहाँ पे मुझे किसी का भी आंसर नहीं मिला था कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान था, उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो यहाँ पे 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामानंद हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जा रहा है कि मेगा अस्थनीज किस देश का रहने वाला था जी हाँ, कौन से देश का रहने वाला था। तो मैं आपको मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए यस सर हम नहीं सुने थे जी हाँ, तो आपको क्लास में अच्छे तरीके से सुन लेना है। तो यहाँ पे बताना है कि जो मेगा अस्थनीज था वो किस देश का रहने वाला था यहाँ, बिल्कुल आप सबको जो इसका आंसर है पता ही है कि वो यूनान का रहने वाला था, यानी यूनान का ये क्या था, एक राजदूत था जी हाँ। और आपको ये बताना है कि जो वो राजदूत था उस राजदूत को, यानी जो हमारा मेगा अस्थनीज है उसको भारत में किसने भेजा था। तो आज का मेरा ये है, तो आप लोग इस सवाल के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं देखूंगा कि सबसे पहले मुझे किसका आंसर आज की इस क्लास में मिल पाता है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, 31 में बोला जा रहा है कि अफनासी निकेतन कौन था जी हाँ, जो अफनासी निकेतन था वो कौन था यहाँ पे आपको बताने चाहिए, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग देरी मत कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे जो हमारा हाईलाइट है उसके इस पे आपको भरोसे पे नहीं रहना है, आपको करेक्ट आंसर बताना जो आपको याद है जी हाँ। जो अफनासी निकेतन था वो कौन था यहाँ पे आपको बताने चाहिए, देखते हैं सबसे पहले कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबका जो आंसर मिला है वो हाईलाइट को देख करके यहाँ पे सबसे ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया है जी हाँ। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या है गलत है, क्योंकि जो अफनासी निकेतन था ये क्या था, एक व्यापारी था, जो कि रूस का क्या था, एक व्यापारी था। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे हाईलाइट पे नहीं जाने, आपको जो आंसर करेक्ट आंसर पता है आपको उसी पे टिक लगाने जी हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है सपना कुमारी का, बहुत लेट आंसर मिला, शायद गूगल करके आ चुकी है,
कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है अगर आपने बताया तो अच्छी, वो भी अच्छी बात है कि जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने ही इसको मेगास्त्रित को राजदूत बना करके भेजा था। चलिए आप क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। बोला जाए कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। जी हाँ, जो इब्न बतूता था वो कौन से देश का यात्री था, यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 32 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना किसी देरी के आंसर बताइए। वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य भेजा था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था उसको राजदूत बना करके। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन्हें मोरक्को का निवासी था, कौन, इब्न बतूता। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 या 33 पे स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। जी हाँ, उन्होंने गोवा पर कब अधिकार किया, कब कब्जा कर लिया, यहाँ पे आपको बताने के लिए। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर उसी समय से भेज रहे हैं आप, आंसर नहीं देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे शायद बाद में नजर आया आंसर। जब 33 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 स्क्रीन पर आ चुके। बोला जाए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जी हाँ, कब स्थापना हुई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप सबको बताइए कि यानी 1600 ईस्वी में। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, 35 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। जी हाँ, चलिए देखते हैं सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का कौन आंसर दे पाता आज की इस क्लास में, कि जो उल गुलान विद्रोह है इसका नेता कौन था, यहाँ पे आपको बताना है आज की इस क्लास में क्वेश्चन 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो आपको हमें हाईलाइट के भरोसे में नहीं रहना, आपको अपना आंसर बताना है। वेरी गुड, जी हाँ, यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिन्हें बिरसा मुंडा। जी हाँ, आपको अगर उलगुलान विद्रोह पूछ दे या आपको मुंडा विद्रोह पूछ दे तो यहाँ पे आपको बिरसा मुंडा पे टिक लगाने हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, तो 36 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। जी हाँ, जो दक्कन दंगा आयोग है कब गठित हुआ था, यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, तो आप सबको बताया कि जो दक्कन दंगा आयोग है वो 1875 ईस्वी में गठित हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, तो 37 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। जी हाँ, जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भी बोला था, तो ये कब बना था, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें 1793 ईस्वी में बना था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। जी हाँ, जो अस्थाई बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन 38 में करेक्ट होगा। जी हाँ, 38 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, तो 39 भी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, चलिए तो आप क्वेश्चन 39 की बारी है कि देखते हैं कौन इसका आंसर मुझे करेक्ट बता पाता है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग को आंसर करने हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं बताने हैं, आपको बताना है कि वो कब की गई थी, आपको डेट को टाइप करने हैं। वेरी गुड, तो आप लोग बिल्कुल समझदार है, मैंने क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया, और मुझे किसी का मिल रहा है कि 1774, किसी का मिल रहा है 1783, किसी का मिल रहा है 1881। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन जो डेट था वो क्या था, 1774 ईस्वी में। जी हां, तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो विश्वविद्यालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद कर लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ, तो 40 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन आंसर कर पाता है आज की इस क्लास में, कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था। तो बिना देरी किए, बिना आपको ऑप्शन के आंसर करने हैं, तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन 40 में राइट आंसर होगा। चलिए वेरी गुड, सबसे पहले मुझे नवेद अख्तर ने दिया है जो कि 1757 ईस्वी, सपना कुमारी ने दिया है, उसके बाद दिया है मुझे किसने, नीतीश कुमार ने दिया है, उसके बाद कौन है, पंकज कुमार। जी हाँ, सबको यहाँ पे आंसर बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1757 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, तो 41 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, जो वीर कुंवर सिंह है इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप सबको बताया कि जो बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। जी हाँ, तो ये कहाँ पे पैदा हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जगदीशपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हां, 42 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। जी हां, जो ग्रेट रेबेलियन पुस्तक है इसके राइटर, इसके लेखक कौन है, यहां पे आपको बताने, फटाफट देखिए क्वेश्चन 42 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, नेम अशोक मेहता हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो आप सबको बताया कि जो बेगम हजरत महल थी उसमें क्या थी, लखनऊ की नवाब थी, तो बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, तो 44 भी स्क्रीन पर आ चुका। बोला जाए कि
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, जब विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, वहां पे जो गवर्नर जनरल था उस समय भारत का कौन था? तो आप सबको बताया कि उसमें कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो बिल्कुल ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जी हाँ, 45 इसकी में आपको बोला जाए कि वास्को डिगामा भारत कब आया? जी हाँ, जो वास्को डिगामा है भारत कब आया, तो यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, जी हाँ, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1498 ईस्वी में आया था। जी हाँ, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, 46 भी इसकी बात को बोला जाए कि कौन सा भारतीय नगर सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? जी हाँ, किसको सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो आप सबको आंसर बताइए होगा, जो मुंबई है जिसको सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन में ए कनेक्ट हो जाएगा। चलिए तो 47 को देख लीजिए, 47 बोला जा रहा है कि, चलिए जी हाँ, तो काफी मजेदार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बार बार बच्चे गलत कर देते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जी हाँ, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में स्थित है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताने आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं 47 का किसका आंसर मुझे करेक्ट मिलता है। वेरी गुड, फटाफट बताइए आप लोग, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है वो ऑप्शन में ए मिल रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। जी हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, आपको एक ही आंसर पर टिक लगाना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ए हो जाएगा। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बई में है। जी हाँ, अगर आपको इंडिया गेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो बॉम्बे हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। ध्यान दें, 48 भी इसकी बात चुका है, बोला जाए कि तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी। जी हाँ, जो तीन कठिया पद्धति है वो किससे जुड़ी थी? तो आपसे को बताया कि जो नील की खेती है, जो चंपारण में नील की खेती हुई थी, इससे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, अब क्वेश्चन 49 को देख लीजिए। 49 बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन का मुझे कौन करेक्ट आंसर दे पाता है आज की इस क्लास में। चलिए तो आप सबका वेट रहेगा आज की इस कमेंट बॉक्स में। 1919 में भारत के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता था? जी हाँ, यानी 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम हुआ था उसको क्या कहा जाता था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। मैंने आपको बार बार बता दिया कि आपको कमेंट यानी ऑप्शन के भरोसे में नहीं रहना है, आपको जो करेक्ट आंसर मालूम है आपको उसी को बताना है। लेकिन आप लोग फिर भी गलती कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी को देख रहे हैं, उसी को आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, तो मुझे जो सटीक आंसर मिला है वो मिला है मुझे नवेद अख्तर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है। जी हाँ, बाकी इसके अलावा सभी का जो आंसर है मुझे ऑप्शन नंबर सी मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग क्या है, गलत है। जी हाँ, क्योंकि जो 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम होता उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 450। हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पर आ चुका है, बोला जा रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जी हाँ, जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए तो आप लोग फिर ऑप्शन के भरोसे में नहीं रहिए, जो करेक्ट आंसर है आपको उसको बताना है। वेरी गुड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 1922 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, आज का क्वेश्चन ये नहीं है कि कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था, आज का क्वेश्चन ये है कि कौन से डेट को हुआ था। जी हाँ, कौन सा मंथ था, कौन सा मंथ में कौन सा डे था, यहाँ पे आपको बताने। तो आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करने, सबसे पहले देखते हैं कि कौन मुझे आंसर कर पाता है इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको पूछा है। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए। फिलहाल बोला जाए कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? जी हाँ, जो स्वराज सॉरी जी हाँ, तो मुझे नवेद अख्तर ने दिया है कि 5 फरवरी। जी हाँ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था सबसे यानी चौरी चौरा हत्याकांड। वेरी गुड, यहाँ पे बोला जाए कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था, यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर आ चुका है। जी हाँ, सनोवर फातिमा ने भी दिया है कि फरवरी 1922 में। जी हाँ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यहाँ पे 51 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1923 ईस्वी में। दिखा, आज के क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि 1923 ईस्वी में हुआ था, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको स्थापना किसने किया था, इस पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए कौन इसका आंसर दे पाता है, सबसे पहले देखते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 52 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि गांधी जी पेशे से क्या थे। जी हाँ, जो गांधी जी थे वो पेशे से क्या थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन था, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए वेरी गुड, जी हाँ, धर्मेंद्र कुमार ने दिया कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास। वेरी गुड, जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे नवीन अख्तर ने भी आंसर दिया चित्रंजन दास। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गांधी जी पेशे से क्या थे, तो आप सबको बताया कि वो क्या थे, लॉयर थे, वकील थे। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। जी हाँ, तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जाए कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था। जी हाँ, शेरे पंजाब यानी पंजाब का शेर किसको जाना जाता था। जी सर, ब्लू टिक कर दीजिए प्लीज। जी हाँ, तो आप लोग क्लास के बाद में कमेंट कीजिएगा, तभी हो पाएगा, अभी क्लास में नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसी क्लास लग रही है। चलिए, शेरे पंजाब किसको कहा जाता था, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय को कहा जाता था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, तो 54 भी स्क्रीन पर आ चुके, बोला जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ। जी हाँ, आज के क्वेश्चन में ये नहीं कि किस
किस अधिवेशन में इन्हें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? मेरा क्वेश्चन यह है कि कौन से ईस्वी में हुआ था जी? हां, तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने है। ये तो यहां पे आंसर ऑप्शन बी लाहौर हो जाएगा, लेकिन आपको डेट बताने है कि कौन से ईस्वी में हुआ था। वेरी गुड, तो आप सबका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। जी हां, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हां, तो 55 पे इसकी भी आपको बोला जा रहा है कि जी हाँ, तो मुझे सबसे पहले तनवीर आलम ने दिया है आंसर 1929 ईस्वी। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं कि 1929 ईस्वी जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए क्वेश्चन 55 बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ था यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए वेरी गुड, जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाप्ति की बात बोली, सॉरी समाप्ति की बात बोलिए। अगर आपको बोला कि कब स्टार्ट हुआ था तो 1939 ईस्वी हो जाएगा, तो आपको ये भी याद रख लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। जी हाँ, तो 56 भी स्क्रीन बात बोला जाए कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? जी हाँ, तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे यहाँ पे आपको बताने। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, जो चौधरी रहमत अली है उन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। जी हाँ, तो 57 भी स्क्रीन आ चुका है, बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, यानी जो स्वतंत्र भारत यानी जो आजाद भारत है उसका अंतिम गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे आपको बताने। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। जी हाँ, तो 58 भी स्क्रीन आ चुका है, बोला जाए कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, जो भारतीय संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे आपको बताने। चले फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, लेकिन आपको ये बताने की जो भारतीय संविधान सभा है उसमें जो अस्थाई अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, तो भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करने हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसी है, बिल्कुल इजी है, मैंने जो आपको क्वेश्चन किया तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करने, देखते सबसे पहले मुझे कौन आंसर दे पाता आज की इस क्लास में। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 59 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? जी हाँ, तो भारत का जो लौह पुरुष है किसको कहा जाता था यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 59 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जी हाँ, तो धर्मेंद्र कुमार ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है, सचित आनंद सिन्हा। जी हाँ, तो सबसे पहले कौन था? डॉक्टर सचित आनंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष था। अगर आपको अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पता ही है। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों को आंसर अच्छे तरीके से पता है। वेरी गुड, इसी तरह आप लोग कमेंट में टाइप करते रहिए। उसके बाद मुझे आंसर मिला है किसका? नवीद अख्तर का, जिन्होंने सचित आनंद सिन्हा दिया है। यहाँ पे बोले कि धीरज कुमार की भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, तो भीमराव अंबेडकर नहीं होगा क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60। जी हां, तो 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जाए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जी हां, जो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, इसको किसने लिखा था? यहां पे कौन सा ऑप्शन हो गया? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको लिखा है। वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61। जी हाँ, तो 61 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, शहर था, वो कौन सा यहाँ पे आपको बताने। तो आपसे बताया कि जो मोहनजोदड़ो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 62। जी हाँ, तो 62 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए? फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बिना किसी देरी के आंसर करने की कोशिश कीजिए। बोला जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? जी हाँ, यानी जो पुरातत्व विभाग था उसका सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन था, तो आप सबको कि जो हमारा एक कनिंगम, जी हाँ, एक कनिंगम मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम, वही क्या थे? इसको भी नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है, तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? वही थे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। जी हाँ, तो 63 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई? जी हाँ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे कौन करेक्ट आंसर दे पाता आज की इस क्लास में। जी हाँ, जो आंसर देगा तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी देगा उसके लिए भी अच्छी बात है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तो 63 में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाने हैं, आपका जो राइट आंसर है आपको उसको बताने। जी हाँ, तो बिल्कुल आप लोग गलत हैं, यहाँ पे जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काली बंगन। जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड मिला है वो कहाँ मिला है? वो काली बंगाल में मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग ऑप्शन पे नहीं जाइए। वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जी हाँ, तो 64 भी स्क्रीन पर आ चुका है, बोला जाए कि मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? जी हाँ, जो मालविकाग्नि मित्र है किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, यहाँ पे आपको बताने। चले तो बिना किसी कमेंट के, बिना किसी ऑप्शन के आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने, क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो बिना किसी देरी के आपको आंसर करने। जी हाँ, चलिए तो जो कमेंट बॉक्स है बिल्कुल यहाँ पे रुक चुका है, लोथर और काली बंगन। जी हाँ, लोथर और काली बंगन आंसर आता है, लेकिन जो राइट आंसर है वो बिल्कुल क्या है, वो काली बंगन है, तो आपको काली बंगन आना है। अगर दोनों बोलेगा तो दोनों भी आपको टिक लगा देने, काली जो बंगन है वो क्या है, एप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए
तो माल विकाग्नि मित्र किसकी रचना है, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो चुका है, रुक चुका है जी हाँ, यानी आप सबको आंसर पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा कालिदास हो जाएगा जी हाँ, इसके राइटर कौन है कालिदास, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी गुड। तो आप देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 जी हाँ, तो 65 भी इसकी बात क्या बोला जाए कि प्रयाग प्रशस्ति अस्तम्भ अभिलेख किस लिपि में है, जी हाँ जो प्रयाग प्रशस्ति अस्तम्भ अभिलेख है ये कौन सी लिपि में, यहाँ पे आपको बताने हैं, चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन 65 में करेक्ट होगा, वेरी गुड, दोनों होगा सर जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों नहीं है, अगर दोनों ऑप्शन आएगा तो आपको दोनों ऑप्शन में टिक लगाने, अगर एक आता है दोनों में से आता है तो आपको काली बंधन पे टिक लगाने हैं, तो यहाँ पे 65 को जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं ब्रह्मी हो जाएगा, चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 जी हाँ, तो 66 भी स्क्रीन में आ चुका, बोला जाए कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, जी हाँ जो अंगुत्तर निकाय है किसका धर्म ग्रंथ है, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं, जी हाँ देखते हैं मुझे 66 में कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर दे पाता है आज की इस क्लास में, जी हाँ तो आप सबको यहाँ पे कमेंट का यहाँ पे वेट रहेगा, और बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले रौनक परवीन ने आंसर दिया जो कि यहाँ पे बी बता रही है, तो यहाँ पे बी आंसर नहीं है क्योंकि बी पे देख के आप लोग बी पे टिक ला रहे हैं, तो बी बिल्कुल भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो मुझे जो आंसर करेक्ट मिला है सबसे पहले कुंदन यादव का मिला है जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर ए दिया है, जी हाँ बिल्कुल आप करेक्ट है क्योंकि हमारा अंगोत्तर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, मैंने आपको बार बार बता दिया कि आपको ऑप्शंस पे नहीं जाने हैं, जो करेक्ट आंसर है आपको उसी को टिक करने हैं, वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 जी हाँ, तो 67 भी स्क्रीन आ चुका, बोला जाए कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया, जी हाँ जो धम्म महामात्र है इसको किसने नियुक्त किया, तो यहाँ पे आप सबको आंसर पता ही है कि जो हमारा अशोक है इसने ही नियुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68 जी हाँ, तो 68 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जाए कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे, जी हाँ जो जीवक वैद्य थे वो कौन से वंश के काल में थे, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं, सर आप मेरा नाम लीजिए प्लीज, सानिया परवीन बोल रहे हैं, चलिए मैंने आपको नाम ले लिया, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने कि जो जीवक वैद्य है वो किस वंश के काल में थे, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं, वेरी गुड। तो 68 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सचिन कुमार सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, जी हाँ तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा तो मैं जरूर नाम लूंगा, 68 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें हर एक वंश। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 जी हाँ, तो 69 में स्क्रीन आ चुकी, क्या बोला जाए फटाफट देखिए आप लोग, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, यानी कौन सा शिलालेख है जिससे हमको कलिंग के विजय के बारे में पता चलता है, तो आपने बार बार पढ़ चुका है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 13वें अभिलेख हो, 13वें शिलालेख हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 हो चुका है, आप 70 को देख लेते हैं, बोला 70 में कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है, जी हाँ तो कितने प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है मनुस्मृति है, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं, जी हाँ तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुका है कि जो 8 प्रकार के विवाह उसकी चर्चा की गई, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71 जी हां, तो 71 की स्कीम आ चुका, बोला जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, जी हां यानी वो उनका धर्म कुछ और था लेकिन बाद में वो किसी धर्म को अपनाए थे, तो यानी कौन सा धर्म था, यहां से आपको बताने हैं, जी हां चलिए कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 जी हाँ, तो 72 भी स्क्रीन आ चुका, बोला जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, जी हाँ तो कितने पुराण है, तो आप सबको बताया कि जो पुराणों की संख्या वो टोटल कितने हैं, 18, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73 जी हाँ, तो 73 भी स्क्रीन आ चुका, बोला जाए कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, जी हाँ यहाँ पे मुझे 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताएंगे, तो देखते हैं कि आज की इस क्लास में कौन राइट आंसर बताता है, मैं उसको चुनूंगा कि कौन राइट आंसर दे पाता है, जी हाँ चलिए वेरी गुड। चलिए तो जो गलत आंसर है उसका आना शुरू हो चुका है, गलत आंसर का बोझ कमेंट बॉक्स में भर चुका है, सबका आंसर गलत आ रहा है, अभी तक मुझे अभी एक भी आंसर नहीं मिला है, जी हाँ तो मिल चुका है वो आंसर, वो कौन है, वो सपना कुमारी है जिन्होंने मुझे आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, बाकी सबका यहाँ पे जो आंसर है उसके बाद कुंदन यादव ने बताया, उसके बाद सन्नी कुमार ने बताया, कुंदन यादव ने बताया, उसके बाद कौन बताया, बाकी सबका जो आंसर है वो गलत हो चुका है, जी हाँ आपको ऐसी गलती नहीं करना, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अकबरनामा, जब भी बात आती है अकबरनामा की, तो अकबरनामा को यानी अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जी हाँ तो 3 भागों में जो एक भाग है उसको हम लोग बोलते हैं आईने अकबरी, जी हाँ अगर आपको बोलेगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 भागों में, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं 3 भागों में विभक्त है, जी हाँ तो आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया कि जो अकबरनामा है वो 3 भागों में विभक्त है, और जो आईने अकबरी है वो 5 भागों में विभक्त है, जी हाँ जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का एक क्या पार्ट है, एक भाग है, जो कि 5 भागों में विभक्त है, और अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है, जी हाँ तो मुझे उम्मीद है कि और आप मुझे रिपीट करना नहीं पड़ेगा इसका आंसर। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे, वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 जी हाँ, तो 74 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जाए कि
आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, जी हाँ, कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, यहाँ पे आपको बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, फारसी भाषा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75। जी हाँ, तो 75 स्क्रीन आज क्या बोला जा रहा है कि शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे आपको मैं सारे ऑप्शन को नहीं दिखाऊंगा, तो आपको बिना ऑप्शन के आंसर करने हैं, क्योंकि मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ, तो आपको जांच रहा हूँ कि आप लोगों को आंसर पता है या नहीं है, या सिर्फ आप लोग ऑप्शन को देख के ही आंसर कर पाते हैं। तो बिना ऑप्शन के यहाँ पे आंसर बताइए कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसको पराजित कराया था, किसको हराया था। वेरी गुड, तो सपना कुमारी ने मुझे आंसर दिया हर बार की तरह हुमायूं, उसके बाद मुझे आंसर दिया स्मार्ट सुनील ने बाबर, तो बाबर नहीं होगा। चलिए दिखा, तो उसके बाद मुझे मिला है नवेद अख्तर का, जिन्होंने हुमायूं आंसर दिया है, उसके बाद आरिफ ने दिया है, उसके बाद देखते किसने दिया है, सानिया परवीन ने दिया है। ओके, उसके बाद राजा हिंदुस्तानी ने दिया हुमायूं। जी हाँ, तो 1540 ईस्वी में जो हुमायूं ने, यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। जी हाँ, यह भी मेरा सवाल नहीं है कि किसको हराया था, मेरा सवाल यह है कि कौन सी लड़ाई में उसको हराया था 1540 ईस्वी में, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। वेरी गुड, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76। जी हाँ, तो 76 भी स्क्रीन पर आ चुका है, बोला जाए कि अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में बादशाह अकबर को यानी बनाया गया, यहाँ पे आपको बताने हैं। वेरी गुड, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा 76 में करेक्ट आंसर होगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपको उसको भूलना नहीं है कि कौन सी लड़ाई में उसको हराया था और बस को। वेरी गुड, जी हाँ, तो मुझे सबसे पहले जो आंसर मिला है वो कायनात परवीन का मिला है, जिन्होंने मुझे आंसर दिया है चौसा की लड़ाई में। जी हाँ, तो बिल्कुल आपने राइट आंसर, तो नहीं राइट आंसर चौसा तो बताया, लेकिन चौसा आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 1539 ईस्वी में जब चौसा की लड़ाई हुई थी, तो उस समय जो हुमायूं जो हारा था, तो उसको उसमें इतना बुरी तरीके से नहीं हारा था, लेकिन जब 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई, तो उसमें उसको इतना बुरी तरीके से हराया कि उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1540 में, और जो वो युद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे चौसा नहीं होगा, क्योंकि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। चलिए वेल ट्राई, आपने अच्छा कोशिश किया। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को। जी हाँ, तो 77 में इसके बाद क्या बोला जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, जो खालसा पंथ सॉरी, तो यहाँ पे बताने की जो खालसा पंथ इसकी स्थापना किसने की थी, फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, जी हाँ, चौसा का नहीं होगा, मैंने आपको बता दी कि चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हराया था। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाने, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, चलिए वेरी गुड, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। जी हाँ, तो 78 भी स्क्रीन आपको बोला जाए कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। चलिए तो बिना ऑप्शन के आपको आंसर करने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बिना किसी देरी के आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तालीकोट का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। चलिए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, चलिए फटाफट टाइप कीजिए कि जो तालीकोट का युद्ध हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था। चलिए जी हाँ, तो 78 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल आना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे 78 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, तो आप ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन क्रिएट हुआ। दिखा, वेरी गुड, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे 1556 बताया, कि कोई यहाँ पे 1665 बता रहे हैं, कोई 1565 बता रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे जिन्होंने मुझे ऑप्शन ए बताया 1565, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिखा, जो तालीकोट का युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में होता, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। दिखा, तो 79 में इसके बाद बोला जा रहा है कि विठ्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। यानी कौन सा शासक था जिसमें जिसका निर्माण, यानी विठ्ठल मंदिर का निर्माण होता है उसके शासन काल में, यहाँ पे आपको बताने हैं। वेरी गुड सर, पहले हम दिए हैं राजा हिंदुस्तानी, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे आप बताइए कि 79 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे बताने की जो विठ्ठल मंदिर का निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था, प्रारंभ होता है, फटाफट बताइए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 79 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं देवराय द्वितीय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80। जी हाँ, तो 80 भी इसके बाद क्या बोला जाए कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की। जी हाँ, जो लिंगायत आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे जो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बास बनना। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। दिखा, तो 81 में स्क्रीन पर आ चुका है, बोला जाए कि फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था। दिखा, जो फ्रांसिस बर्नियर है वो कौन से शासक के काल में भारत आया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे 80 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाई औरंगजेब के शासन काल में वो भारत आया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80।
टू, जी हाँ। तो 82 भी इसकी भी आ चुका, देखते हैं कि 82 का कॉल करेक्ट आंसर दे पाता आज की इस क्लास में। 1857 ईस्वी के यानी 1857 विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, जी हाँ। चलिए तो आज की इस क्लास में इस क्वेश्चन का विनर देखने को मिलेगा कि कौन है। चलिए तो बिना किसी देरी के आप लोग क्वेश्चन 82 को देखिए, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जी हाँ। वेरी गुड, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जी हाँ। जो आज का जो विनर है वो कौन है, कुंदन यादव है, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि कौन आंसर दे पाता है, वेरी गुड। उसके बाद सपना कुमारी है, उसके बाद कोई है और, जी हाँ, उसके बाद है पे नवीन अख्तर ने दिया है बाद में की 31 मई, जी हाँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ने की पूर्व निर्धारित तिथि, जी हाँ, कौन से तिथि को निर्धारित की गई थी कि इतने तिथि को यानी जो विद्रोह है वो होना है, लेकिन उस तिथि को नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 मई 1857 ईस्वी को क्या हुआ था कि तिथि निर्धारित की गई थी, इस तिथि को होना है, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को हो गई थी। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जी हाँ। 31 मई 1857 ईस्वी को वो तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन तिथि से पहले ये विद्रोह शुरू हो गया था। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, जी हाँ। तो मैंने आपको बार बार बोल दिया क्योंकि एग्जाम में क्या होती है कि आप लोग गलती करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैंने तो टिक अच्छे लगा के गले, लेकिन जो नंबर है वो कम कैसे आ गया। तो ऐसे ही नंबर कम आता है कि आप लोग थोड़ा पढ़ने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन 83 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 83 में, ताटिया टोपे को फांसी कब दी गई थी, जो ताटिया टोपे है इसको फांसी की सजा कब दी गई थी, कौन सी ईस्वी में दी गई थी। यहाँ पे आपको आंसर करने चाहिए, फटाफट देखिए क्वेश्चन में 83 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर आना शुरू हो चुका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1859 ईस्वी में दिखा। और कुछ ऐसे भी ईस्वी है जो यानी जो ऑप्शन को देख करके क्लास को छोड़ चुके, सोचे कि ये सब तो टिक लगा हुआ है, ये तो सब तो आता ही आता है, लेकिन क्लास को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर चुके दिखा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्वेश्चन कंप्लीट किया है, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से आंसर भी दिया, आप लोगों को क्लास में करने में मजा आया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, जी हाँ, जो झोकन बाग हत्याकांड है ये कहाँ पे कौन सी जगह में हुआ था, यहाँ पे आपको बताने, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी हाँ, बिल्कुल आपने आंसर दिया है यानी झांसी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, झांसी में हुआ था, वेरी गुड। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 85, जी हाँ, 85 भी इसकी बात, बोला जाए कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, जी हाँ, जो खेड़ा सत्याग्रह है ये कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपको बताने, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा जी, 1918 ईस्वी में हुआ था, वेरी गुड। तो आप देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86, यहाँ 86 भी स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या बोले, फटाफट देखिए कि पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जी हाँ, ये पुर्तगालियों ने गोवा पर कौन से ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यहाँ पे आपको बताने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी मजेदार क्वेश्चन भी है, जी हाँ। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए, गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा आपको उसको बताने हैं, वेरी गुड। तो कौन से ईस्वी में किया था, जी हाँ, तो बिल्कुल आप लोग गलत कर चुके हैं, यहाँ पे जो आइटम्स होगा आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 1639 ईस्वी में, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे गलत कर चुके हैं, कौन से ईस्वी में हुआ था, 1639 ईस्वी में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था गोवा पर, जी हाँ। अगर आपको कब्जा की बात आती है तो कब्जा तो 1510 में किया था, लेकिन व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1639 ईस्वी में, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। तो आप देख लेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87, यहाँ तो 87 भी इसकी बात क्या बोले, फटाफट देखिए आप लोग कि लॉर्ड वेलेसली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, जी हाँ, जो लॉर्ड वेलेसली है ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे, यहाँ पे आपको बताने 87 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, जी हाँ। तो फटाफट देखिए क्वेश्चन 87 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, वेरी गुड, बिल्कुल सबका आंसर आना शुरू हो चुका है, यहाँ पे जो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें 1798 ईस्वी में वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, यहाँ तो 88 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जाए कि गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, हाँ, जो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, जो प्राइमरी नॉलेज उन्होंने हासिल किया था वो कहां से किया था, तो आप सबको बताया कि वो कहां पे पैदा हुए थे, यानी गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोरबंदर, वेरी गुड। तो आप देख लेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89 दिखा, तो 89 भी इसकी बात करें, तो बिना किसी देरी के आप लोग आंसर बताइए कि जो कृषि की तीन कठिया पद्धति कहां लागू की गई थी, हाँ, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के बताने की कोशिश करूंगा, आपको बिना ऑप्शन के आपको इसका आंसर बताने हैं, तो फटाफट टाइप कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दिखा, तो कौन से कहां लागू की गई थी, फटाफट बताइए आप लोग। जी हाँ, तो बिल्कुल सबका आंसर आना शुरू हो चुका है, बिना देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं आंसर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आंसर आ रहे हैं सबका, ऑप्शन में क्या आ रहे हैं, चंपारण आ रहे हैं, बिल्कुल चंपारण करेक्ट हो जाएगा, यानी कहाँ पे लागू हुई थी वो चंपारण में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90, जी हाँ, तो 90 भी इसके बाद बोला जा रहा है कि
सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? जी हाँ, जो सेवर्स की संधि है वो किसके बीच में हुई थी? जी हाँ, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कौन करेक्ट दे पाता है आज की इस क्लास में। सेवर्स की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो बिना यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के नहीं, आपको अपने से आंसर बताने कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो सेवर्स की जो संधि हुई थी वो किसके किसके साथ हुई थी? यानी ब्रिटेन और एवं तुर्की के बीच में। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में हुई थी। जी हाँ, तो ऑप्शन में डी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी आपका नहीं होगा। वेरी गुड। तो आप देख लीजिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91। जी तो 91 भी स्क्रीन में आ चुका है। बोला जा रहा है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? जी हाँ, तो कितने दिनों में उन्होंने साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा की थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आपसे पता है कि जो 24 दिन में की थी, तो ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92। जी हाँ, तो 92 भी इसकी बात क्या बोला जाए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? जी हाँ, आपने गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुना होगा, तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे यहाँ पे आपको बता रहे। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे आपको दूसरा सवाल पूछूंगा, तो आपको यहाँ पे उसका भी आंसर करने है। जी हाँ, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था टोटल 3 हुआ था। जी हाँ, लेकिन आज का जो मेरा सवाल यह है कि जो गोलमेज पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन करेक्ट आंसर दे पाता है मेरे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। जी हाँ, तो अभी 93 को आप देख लीजिए, 93 में कौन सा ऑप्शन क्रिएट होगा? तो बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? जी हाँ, जो भारत को स्वायत्तता प्राप्त हुआ कौन से अधिनियम के तहत हुआ? वेरी गुड। जी हाँ, सबसे पहले मुझे आंसर दिया नवीन अख्तर ने, जो कि 1930, सपना कुमारी 1931, कुंदन यादव 1931। जी हाँ, तो यहाँ पे नवीद अख्तर जी, उन्होंने अच्छे तरीके से आंसर दिया कि 1930 में हुआ था। यहाँ पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में। जी हाँ, पहला स्टार्ट हुआ था 1930 में, तो 1930 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। जी हाँ, 94 भी आ चुका है। बोला जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? जी हाँ, जो करो या मरो का नारा दिया था वो किसने दिया था? फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, यहाँ पे तो आप लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको रिलैक्स होकर आंसर करने। जी हाँ, क्योंकि एक गलती आपका एक मार्क्स काट सकता है, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स होकर टिक लगाइएगा। चलिए तो 94 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, महात्मा गांधी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95। जी हाँ, तो 95 भी इसके में आ चुका है। बोला जाए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह में हुई थी? तो यहाँ पे आपको आंसर करने कौन सा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। वेरी गुड। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96। जी हाँ, 96 भी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जाए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं। वेरी गुड। जी हाँ, तो बिल्कुल सबने आंसर दिया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। जी हाँ, तो ये मेरा सवाल नहीं है कि कब लागू किया गया था, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये कौन से ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ, तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो आज का इस सवाल मेरा ये है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर मुझे आज की इस क्लास में मिलता है। वेरी गुड। अभी अभी 97 को देख लीजिए। बोला जाए कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? यहाँ जो विक्टोरिया टर्मिनल है वो किस शैली की इमारत है, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए एक्समार्ट ने दिया है कि 26 जनवरी 1950 को बना था। जी हाँ, आपने आंसर दिया, लेकिन आपका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। देखते हैं कि किसका आंसर करेक्ट होता है। जी हाँ, जिसका अंतर्याय मुझे मिल चुका है, सानिया परवीन ने आंसर दिया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जी हाँ, बिल्कुल आप करेक्ट है कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, आपको इस डेट को याद कर लेने हैं। चलिए फिलहाल देखिए 97 में कौन सा ऑप्शन क्रिएट होगा, कौन सी शैली का क्या है इमारत, तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, नव गौथिक शैली। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98। जी हाँ, तो 98 भी देखिए क्या बोला जाए कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? जी हाँ, जो लॉटरी कमेटी है इसका गठन कब किया गया था, तो बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड। सर साइकोलॉजी का क्लास कब होगा? सर जी हाँ, तो आप लोग लास्ट में बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा साइकोलॉजी का जितना भी आपका सब्जेक्ट है सबको बता दूंगा कहाँ पे क्लास होगी। तो यहाँ पे 98 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99। जी हाँ, तो 99 में इसकी बात चुका है। बोला जाए कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? जी हाँ, जो गुरुदेव है इसकी उपाधि किसको दी गई थी, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं 99 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन में सी हो जाएगा, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी गई थी। वेरी गुड। तो आप देख लेते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 हो चुका है। 100 को देखिए क्या बोला जाए, क्वेश्चन 100 में
कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? जी हाँ, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो कौन से अधिवेशन में हुआ था, यहाँ पे आपको आंसर करने। जी हाँ, तो मैं आपको सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग सारे ऑप्शन को देखिए, उसके बाद करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज के इस क्लास में जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन को कवर किया। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि जो 100 क्वेश्चन है मैंने 100 क्वेश्चन से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको कवर कराया, क्योंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे, तो आपको कम से कम 15-20 तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको पूछ दिया और आप लोगों ने अच्छे तरीके से आंसर किया आज के इस क्लास में। वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अभी भी क्या करते हैं, बहुत से क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं, तो गलत बताने का रीजन यह है कि आप लोग जो है रिवाइज नहीं किए। तो इसके लिए आपको रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग साइकोलॉजी की क्लास के लिए बहुत बार बोले कि सर साइकोलॉजी की क्लास, होम साइंस की क्लास, सोशियोलॉजी की क्लास, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यूट्यूब में टारगेट बेस्ड चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि उसमें डेली जो आपका साइकोलॉजी है, उसका जो होम साइंस है, उसका जो आपका ज्योग्राफी है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस होती है। जी हाँ, तो आपको टारगेट बेस्ड को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में होती है 7 बजे क्लास होती है, वो साइकोलॉजी की डेली होती है, उसके बाद ज्योग्राफी की होती है मॉर्निंग में 7 AM, उसके बाद इवनिंग में 6:30 PM को। जी हाँ, यानी रात को 6:30 बजे और मॉर्निंग में 7 बजे। जी हाँ, सुबह 7 बजे, रात को 6:30 बजे। तो आपको याद कर लेने, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और आप लोग वहां पे डेली क्लास को कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि डेली वहां पे साइकोलॉजी की हमसाइन क्लास होती है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जहां पे साइकोलॉजी और हमसाइन क्लास बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए मैं इस चैनल को बिल्कुल आपके लिए स्पेशली साइकोलॉजी और होम साइंस के लिए बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास होती है, इंग्लिश की भी होती है, ज्योग्राफी की होती है, हिस्ट्री की होती है, आप लोग उसकी भी देख सकते हैं। वहां पे रिवाइज बेस स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जाके रिवाइज कर सकते हैं, जो कि डेली क्लास होती है 7 बजे सुबह और 6:30 बजे शाम को। हाँ, और मैंने आपको बताया कि आपको कैसे क्या करना है, यानी जो आपको यानी कैसे जो रिवाइज करना है, कैसे पीडीएफ को पढ़ना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे आप लोग गूगल में जाएंगे तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा BBP। जी हाँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग यानी गूगल को जाइएगा, गूगल या क्रोम में किसी में भी जाइएगा, वहां पे सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे, इसके सामने में आपके सामने में जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का आएगा। तो आपको थोड़ा क्या करना है, ऊपर की ओर क्या करना है, स्लाइड करना है। जैसे आप लोग स्लाइड करेंगे तो आपके सामने में जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो हिस्ट्री का आएगा, तो यहां पे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसके जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है आप लोग दोनों को पढ़ सकते हैं। यानी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दोनों अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको रिवाइज करना होगा तो हर एक सब्जेक्ट का क्या दिया हुआ है, 10-10 मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो आप लोग 10-10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में BBP.com सर्च करना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पे जो है वो आ चुका है कि जो मॉडल सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है, सेट 5 है। हाँ, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर दिया हुआ है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी ऑप्शन में क्या करना है, जो होम स्क्रीन है उस पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना। जी हाँ, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो आ जाएगी टेस्ट देने के लिए, क्लिक करें। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग टेस्ट देने के क्लिक करेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसका जो टेस्ट नंबर है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, आप लोग कैसे भी टेस्ट को लगा सकते हैं, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग, मैंने आपको जो प्रोसेस बता दिया, आपको टेस्ट देने के लिए आपको नाम और ईमेल सबमिट करना है, उसके बाद आपको जो स्कोर है वो बता दिया कि आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया। जी हाँ, तो आई होप कि मैंने जो आपको दो पॉइंट बताया कि आपको टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होती है साइकोलॉजी की, होम साइंस की, वो टारगेट बैच पे होती है। और मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट कैसे देना है, पीडीएफ को आपको रिवाइज कैसे करना है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि सर ब्लू टिक कर दीजिए, तो आप लोग इस क्लास के बाद में जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे कमेंट आएगा तभी मैं क्या कर पाऊंगा, उसको ब्लू टिक कर पाऊंगा। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसी लगी, फिर मैं आपको ब्लू टिक कर दूंगा। जी हाँ, अच्छी लगी तो आप लोग अच्छे कमेंट कीजिएगा, और आपको किसी तरह का भी आपको बुरा लगा होगा तो आप लोग वो भी बताइए क्लास के कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो आज की लाइव सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।